लक्ष्मी पांचाल एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ बड़ी ताजा खबरों को लेकर। चलिए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की ताजा बड़ी खबरों की ओर। क्रिकेट टूर्नामेंट का पूर्व चेयरमैन मतीन अहमद खां और पूर्व चेयरमैन सैयद अनवर अजीम ने किया उद्घाटन। दरियाबाद के मोहल्ला घड़ियाली में चल रहे क्रिकेट मैच के फाइनल क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन पूर्व चेयरमैन मतीन अहमद खां और पूर्व चेयरमैन सैयद अनवर अजीम ने संयुक्त रूप से किया। स्पोर्टिंग क्लब टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी ब्लैक कमांडो स्पोर्टिंग क्रिकेट टीम ने 9 रन पर ही ऑल आउट हो गई और रफ्तार स्पोर्टिंग ने 9 विकेट से मैच जीत लिया और टीमों के विजेता और उपविजेताओं को शील्ड और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। कहा कि दरियाबाद 12 बकी खेलने न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि जीवन के सभी पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपरोक्त विचार पूर्व चेयरमैन मतीन अहमद खां और पूर्व चेयरमैन सैयद अनवर अजीम ने संयुक्त रूप से दिया। एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करते हुए व्यक्ति किए उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए अन्य चीजों के साथ खेलना बहुत जरूरी है। यह शरीर को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रखता है, इसलिए युवाओं को खेलों में उत्कृष्ट रूप से भाग लेना चाहिए। वहीं पर खेल एक तरफ प्यार व दोस्ती को बढ़ाता है तो वहीं दूसरी तरफ भाईचारे को भी बढ़ावा देता है। हाथी गंगा जमुना का संस्कृत का संदेश देता है। इस मौके पर अबू बकर इसरार अहमद जामशीर खान अब्दुल अली जफर मुकीम अहमद खान तारिक अंसारी उमेश लोधी आदि मौजूद रहे। बाराबंकी से ब्यूरो चीफ अहमद फहद खान की रिपोर्ट। डाल नहीं करा पाएंगे, एक साथ देखिए, एक बार कैमरा मैन जल्दी फोकस करो, ये देखिए वाइंडिंग फेंक रहे हैं। आज के युवाओं के लिए प्रेरणा वाली बात है कि वाइंडिंग फेंक रहे हैं इस उम्र में, क्या कहने हैं यहां पर आतिफ अजीम भाई के लिए। शॉट खेल दिया था, हमको लगा ये गेंद गई।